रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से रखे। आज मैं बना रही हूँ पास्ता, घर में पास्ता तैयार करूँगी। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा बाजार जैसा पास्ता बनेगा। सबसे पहले अंडे धो लूँगी। के अंदर ये एक कप मैदा ये डालूंगी, ये दूसरा कप, और कोई चीज नहीं डालनी है, इसी में हमने गूंदना है। बिस्मिल्लाह, कम हो गया तो मैदा और डाल लेंगे। इसको ढीला नहीं रखना है, सख्त रखना है। आधे घंटे के लिए इसको ढक के रख दूंगी। आधे घंटे के बाद फिर दोबारा से गूंदेंगे। आधा घंटा हो गया है, देखते हैं डो को। इसको फिर गूंदेंगे। इसी तरह से आपने भी सख्त रखनी है, नरम नहीं करनी है। इसको फिर अच्छी तरह गूंद के दोबारा रखूंगी आधे घंटे के लिए। तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको गूंदना है। अब मैं दोबारा रख दूंगी इसको आधे घंटे के लिए। हमने तैयार होने के लिए रख दिए। अब पास्ते के लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाह, तकरीबन 4 चम्मच है खाने के। लहसुन डाल दूंगी। लहसुन जो है वो लाइट ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर मैं चिकन डालूंगी, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके रखा हुआ था। बिस्मिल्लाह, चिकन वाइट हो गया। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूंगी। दो मिनट के लिए ढक्कन लगाऊंगी, टमाटर अच्छे से गल जाएं। दो मिनट हो गए हैं। टमाटर गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर मसाले डाल दूंगी। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी मिर्च ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च ली है। अब
दो खाने के चम्मच लेमन जूस डालूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी। इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। एक गाजर को मैंने काट लिया था, उसके इस तरह से पीस कर लिए हैं, ये डाल देंगे। और मटर डालूंगी, ये पीस किए हुए थे। थोड़ी देर इनको पकाएंगे जब तक गाजरें और मटर नहीं गलते। मटर और गाजर जो है वो गल चुके हैं, अब इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे। इसको हल्का सा पकाएंगे तो जाके पास्ता तैयार करते हैं, मसाला तैयार हो चुका है, अब हम पास्ता तैयार कर लेंगे। आधा घंटा हो गया, अब हम बेल लेंगे। माफ करूंगी, दो रोटियां बेलेंगे, दस करूंगी। अब हम बेल लेंगे। अभी भी ये रोटी जो है छोटी है, अभी इसको और बेलना है और बड़ा करूंगी। ये देखे, इस तरह से हमने बड़ी सी रोटी बेल ली है, अब हम इसको फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लूँ। अब मैं कटिंग कर लूंगी। बिस्मिल्लाह। इस तरह से हम सारा काट लेंगे। सारा कटिंग कर ली है हमने, अब हम इसको उठाएंगे। ये आप चाहें तो इससे बारीक भी रख सकते हैं। पानी गर्म हो गया है, अब हम डालते हैं पानी में जाके। पानी हमारा गर्म है, हाफ चम्मच मैंने नमक की डाल के तो गर्म कर लिया था।
7 मिनट हो गए हैं, 7 मिनट पूरे मैंने पकाया है, गल चुका है। अब हम निकाल लेंगे। ठंडे पानी से गुजारेंगे और फिर मसाले में डाल देंगे। अब हम मसाले के अंदर पास्ता डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा सोया सॉस डाल दूंगी। अब हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमारा होममेड पास्ता तैयार हो गया, जो हमने घर पे तैयार किया है, और बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा बने। ये देखें, बहुत ही जायके में भी अच्छा है, बिल्कुल बाजार वाला जायका है। आपने जरूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।